दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीज़न में दो स्टेशन है। पहला स्टेशन है सिनी जंक्शन और दूसरा है राजकरसों जंक्शन। तो उस स्टेशनों पर नए ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है, तो उन्हीं ट्रेनों के बारे में मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, राजकरसों स्टेशन पर 1287 दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बार एक्सप्रेस ये ट्रेन 8 मई 2023 से राजकरसों स्टेशन पर रुकेगी, जो कि शाम के 5:13 पर रुकेगी और ये ट्रेन 5:15 पर ये ट्रेन राजकरसों से खुल जाएगी। और 13288 राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस ये ट्रेन 7 मई 2023 से ये ट्रेन राजकरसों पर रुकेगी, सुबह के 8:41 पर ये ट्रेन रुकेगी और ये ट्रेन 8:43 पर ये ट्रेन खुल जाएगी राजकरसों से। तो दोस्तों, ये साउथ बिहार एक्सप्रेस है, अप और डाउन का मैं बता रहा हूँ, यानी आते वक्त और जाते वक्त का। और दूसरा ट्रेन है दोस्तों 18190 एर्नाकुलम टाटा नगर एक्सप्रेस, ये ट्रेन 7 मई 2023 से ये ट्रेन राजकरसों में रात के 3:13 पर रुकेगी और 3:15 पर खुल जाएगी। और 18189 टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस, ये ट्रेन 11 मई 2023 से राजकरसों स्टेशन पर रुकेगी सुबह के 5:54 पर और ये ट्रेन 5:56 पर ये ट्रेन राजकरसों से खुल जाएगी। तो टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस का अप और डाउन का मैं बताया हूँ। तो दोस्तों, और एक स्टेशन है सिनी स्टेशन, वहाँ पर भी ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। तो वो ट्रेन है 12021 हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये ट्रेन 8 मई 2023 से रुकेगी सिनी स्टेशन पर, 10:17 पर रुकेगी और 10:19 पर ये ट्रेन खुल जाएगी सिनी से। और गाड़ी संख्या 12022 बड़बिल हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये ट्रेन 8 मई 2023 से रुका करेगी सिनी स्टेशन पर शाम के 4:10 पर और ये ट्रेन 4:12 पर सिनी स्टेशन से खुल जाएगी। तो ये दो स्टेशन है राजकरसों जंक्शन और सिनी जंक्शन, इन दो ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है और एक स्टेशन पर एक ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। ये स्टॉपेज कोरोना काल से पहले हुआ करती थी, जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ उसके बाद गाड़ी चलना शुरू हुई, उसके बाद इन ट्रेनों का स्टॉपेज हटा दिया गया था, लेकिन अब इस ट्रेनों का स्टॉपेज देख दिया गया है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।